أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم dear students मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग हमेशा की तरह हैर वाफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको पासिंग मार्क्स हासिल करने के फर्स्ट ईयर में तरीकाकार दिखाऊंगा। तो काइंडली आप लोगों ने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है। और सबसे अहम बात मैं आपको बताता चलूँ, मैंने फर्स्ट ईयर फिज़िक्स पर 4 वीडियोज़ अपलोड करनी है, एक असिस्मेंट स्कीम, दूसरा गेस्ट पेपर और तीसरी वीडियो पासिंग मार्क्स और चौथी वीडियो अच्छे नंबर हासिल करने के लिए आपको दिखाऊंगा। तो काइंडली आप लोगों ने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और साथ पहले आइकन के बटन पे जाके ऑल पे लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि वो तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, आपने इस वीडियो को लाजमी लाइक करना है और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं एक अहम बात बताता चलूँ, मैंने 9th से लेकर MA इंग्लिश तक ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वो मेरे व्हाट्सअप नंबर और कमेंट सेक्शन पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह उनका एडमिशन से लेकर उनके पेपर के आखिरी दिन तक मैं ऑनलाइन क्लासेस में उनका भरपूर तरीके से साथ दूँगा और सिलेबस इंशाल्लाह जल्द ही मैं कवर करवा दूंगा ताकि आप लोग अच्छे तरीके से पेपर दे सकें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले ये आप देख सकते हैं जी, 11वां, 13वां, 9वां और 8वां चैप्टर, आप 8वां और चौथा चैप्टर आपने लाजमी तैयार करना है। अगर आप लोग इन चैप्टर्स को तैयार कर लेते हैं तो आप लोग अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप 2 चैप्टर तैयार करते हैं, 11वां, 13वां और 7 MCQs, तो फिर भी आप लोग पास इजीली हो सकते हैं, क्योंकि 11वें और 13वें चैप्टर में से 16 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 12 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन हैं। कितने हो गए? 16 और 8, 24 और 7 MCQs 17 प्लस कर लें तो आप लोग कितने नंबर हासिल कर सकते हैं इजीली? 39 और पास तकरीबन 30 वाला होता है 85 में से, ठीक है। तो आप लोगों को बेहतर पता होगा कि पासिंग मार्क्स कितने हैं, 33 नंबर और मेरे ख्याल से 35 या 40 38 वाला पास है। आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ 2 चैप्टर तैयार करें तो आप लोग पास हो सकते हैं, 11वां और 13वां और 9वां और 8वां आप तैयार करें तो फिर भी आप, फिर 9वां, 8वां और 4वां तैयार करें तो फिर आप लोग पास होंगे, ठीक है। दूसरा तरीका ये है, इन दोनों में से आपने एक ऑप्शन क्लिक कर लेना है, लेकिन 60 नंबर आप इजीली हासिल कर सकते हैं, ठीक है। 85 में से 60 नंबर सिर्फ 5 चैप्टर तैयार करके, 17 MCQs आपने ऑल चैप्टर्स तैयार करने हैं, पास्ट पेपर्स में से तैयार कीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आपने तैयार करने हैं जी, ठीक है, इन चैप्टर्स के, क्योंकि 3-3 बाकियों के शॉर्ट क्वेश्चन है, सिर्फ 11वें और 3रे चैप्टर में से 4 आएंगे, बाकी लॉन्ग इनमें से लाजमी आएंगे, ठीक है। 12 नंबर के लॉन्ग और टोटल नंबर आपके कितने क्लियर हो जाते हैं जी? 61। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये 5 चैप्टर आप लोग लाजमी तैयार करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन के बटन पर जाके ऑल पे लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।